पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल गौतम चीमा के खिलाफ किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एक मिनट में आपको दिखाते हैं पंजाब पुलिस के इस अफसर पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगा। ये मनिंदर गुलाटी हैं। मनिंदर ने पंजाब के आईजी गौतम चीमा पर अपने पति सुमेध गुलाटी के अपहरण का आरोप लगाया है। मनिंदर का आरोप है कि थाने से उसके पति सुमेध गुलाटी का अपहरण किया गया, कस्टडी से उनको उठाकर लेकर गया है और उनको धमकाया गया है, मारा पीटा गया मेरे हस्बैंड को। सुमेध के ही रिश्तेदार क्रिस्पी ने भी आईजी गौतम चीमा पर धमकी देने का आरोप लगाया है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक मामला मोहाली फेज वन थाने का है। एसआई दिलबाग सिंह ड्यूटी पर तैनात थे। सुमेध गुलाटी के साथ कांस्टेबल रमेश कुमार थाने पहुंचे। दिलबाग सिंह सुमेध से पूछताछ कर रहा था। आईजी गौतम चीमा तीन साथियों के साथ थाने आए। सुमेध गुलाटी को आईजी चीमा साथ लेकर मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे। क्रिस्पी यहां एडमिट थी। आईजी चीमा ने क्रिस्पी को धमकाया। 26 अगस्त की रात से अब तक मनिंदर के पति सुमेध गुलाटी का कोई अता पता नहीं है और न ही आईजी गौतम चीमा पुलिस के हाथ लगे हैं। इस पूरे मामले का सच क्या है ये तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, होंगे फौरन हाजिर।